सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTA San Andreas Netflix के इस प्रॉब्लम के बारे में। जैसे गाइस मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, जब भी आप अपनी GTA San Andreas Netflix गेम को ओपन करते हो और ओपन करने के बाद जैसे आप देख पा रहे होंगे आपसे जो है रिसोर्स जो है डाउनलोड करने को कहता है, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉब्लम आती है, आपके जो रिसोर्स पैक होते हैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा, ठीक है। आपका 0p रेट का हुआ है, तो इसका क्या सोल्यूशन आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए गाइस जान लेते हैं मैं इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने यहाँ पर लिखा हुआ जैसे एन एक्टिव नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड टू प्ले, ठीक है। अगर आपके पास एक अगर आप GTA San Andreas नेटफ्लिक्स वाले गेम को खेल रहे हो तो उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अगर आपका कनेक्शन वगैरह यहाँ पर मतलब नेटवर्क सही नहीं आ रहा है तो नेटवर्क की वजह से भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ बैक करके, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका यहाँ पर एयरप्लेन मोड होता है उसे आपको 5 से 10 सेकंड के लिए ऑन कर देना, ठीक है। 5 से 10 सेकंड के लिए हम इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम जो है इसे दोबारा से ऑफ कर देंगे, ठीक है। इससे हमारे नेटवर्क जो है रिफ्रेश होकर वापस आ जाएंगे। अगर आपके से वर्क नहीं करता तो आप किसी से हॉटस्पॉट या वाईफाई वगैरह से कनेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद आप रिसोर्स डाउनलोड करने का ट्राई कीजिएगा, आपके रिसोर्स डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये काम आपको कर लेना है। अगर गाइस ये काम करने से आपका नहीं हो रहा है तो आपको एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट भी कर लेना है। रीस्टार्ट करके आपको अपने मोबाइल को देख लेना, अगर इससे भी काम नहीं बनता तो उसके बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमें मोबाइल की सेटिंग्स में आना होगा। मोबाइल की सेटिंग्स में आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऐप्स का ऑप्शन। आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन मैनेजर्स पर क्लिक कर लेना है। मैनेजर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी GTA San Andreas Netflix को सर्च कर लेना है, ठीक है। मेरे मोबाइल में अभी वो गेम नहीं है इसलिए मैं कोई भी एप्लीकेशन में आपको जाकर दिखा देता हूँ आपको क्या काम करना होगा। सपोज के लिए जब इंस्टाग्राम में चले जाते हैं तो आपको सेम ही काम करना होगा, अपनी आपको गेम को सर्च करना है। लेकिन मेरे मोबाइल में गेम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे सामने इंस्टाग्राम आ चुका है। अभी आप क्या करना है, आपकी जो GTA San Andreas Netflix होगी आपको यहाँ पर डेटा यूज का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर आना है या फिर आप बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, आपको मिल रहा है क्लियर डेटा, आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर कैच कर देना, ठीक है। क्लियर कैच करने के बाद आपको क्लियर ऑल डेटा भी इसका कर देना होगा। क्लियर डेटा करने के बाद आपको आना है डेटा यूज में। यहाँ पर आने के बाद आपको चेक करना है कि आपके तीन ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने, मोबाइल डेटा, वाईफाई और बैकग्राउंड डेटा, ये तीनों ऑप्शन आपके ऑन होने चाहिए। अगर आपके पहले से होना है तो आपको इन्हें बंद करना है, तीनों को बंद करने के बाद इन तीनों को ऑन कर देना, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको नीचे आना है, रिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद ये दोनों आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन टिक होंगे, आपको इसे यहाँ पर अनटिक करके दोबारा से टिक कर देना, ठीक है। आपको ये काम कर देना है। मैंने इंस्टाग्राम में करके दिखाया लेकिन आपको अपनी GTA San Andreas Netflix में यही काम करने होंगे, ठीक है। होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आपको यही काम करना होगा। ये काम करने के बाद आपको चेक करना है आप यहाँ पर रिसोर्स आपके डाउनलोड हो रहे नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो काम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे मैं आपको मेरे यहाँ पर पेस्ट में शो नहीं कर रही GTA San Andreas, यहाँ पर मैंने बता रहे तो आपको कैसे यहाँ पर मैं गया था। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ GTA San Andreas Netflix, यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा इंस्टॉल का। जैसे मैं इंस्टॉल क्लिक करता हूँ तो मेरे आपके सामने GTA San Andreas Netflix यहाँ से ओपन हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। अगर आप रिसोर्स पैक डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको मिल जाएगा ऐप सपोर्ट का एक ऑप्शन। जैसे आप देख पा रहे हो आपको ऐप सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐप सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, आपको ईमेल आईडी पर जाना है। ईमेल आईडी पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली एक रिपोर्ट लिखनी होगी। रिपोर्ट आप अपनी मर्जी से यहाँ पर अपनी मर्जी से जो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऊपर सेंड के लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करके अटैच फाइल पर क्लिक कर देना है। अब गाइस जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपको अपनी दोनों का एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपनी रिपोर्ट लिख के सेंड कर देंगे, ठीक है। बस आपको यही काम करना होगा। जैसे उनके पास मेल जाएगी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेल, या फिर आप ट्विटर पर जाके ट्वीट भी कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, तभी उनके पास ये मैसेज जाएगा और तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। बस यही इसके सोल्यूशन थे। होप आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अगर गाइस आपको बड़ी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, टेक केयर, लव यू ऑल।